हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ बाकला आलू की सब्ज़ी। मैं ली हूँ आधा केजी बाकला, इसे धोकर रख ली हूँ। अब मैं इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ लूँगी। पहले मैं इसके दोनों साइड से रेशे को निकाल लूँगी। इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, अगर आप इसे नहीं निकालेंगे तो सब्ज़ी अच्छी नहीं लगेगी खाने में। सभी बाकला को बना कर रख ली हूँ, तो चलिए अब इसे फ्राई करने। फ्राई पैन में डाली हूँ सरसों का तेल और इसे अच्छी तरह से गर्म होने दें। फिर इसमें ऐड कर दें बाकला और इसमें ऐड करें थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा इसमें डालें नमक। अब इसे हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जब तक कि इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है। बाकला को फ्राई करके बनाने से सब्ज़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए ये फ्राई हो चुका है, अब मैं इसे गैस से उतार लेती हूँ। और सब्ज़ी बनाने के लिए मैं ली हूँ प्रेशर कुकर। अब मैं इसमें डाली हूँ 1 चम्मच तेल और फिर इसमें ऐड की हूँ ज़ीरा, पीली सरसों। इसे कुछ सेकंड पकने दें, फिर इसमें ऐड करें अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे ढक दें ताकि तेल बाहर नहीं आए। और इसे 2 मिनट तक भून लेना है। फिर इसमें ऐड करें 2 मीडियम साइज़ का प्याज पिसा हुआ और इसे भी 2 से 3 मिनट भून लेना है। फिर इसमें ऐड करें हल्दी मिर्ची और इसमें डालें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच इसमें डालें ज़ीरा पाउडर। अब इसमें ऐड करें नमक। सभी मसाले को डालने के बाद इसे बढ़िया से भून लेना है। मसाला भूनने के बाद इसमें ऐड करें छोटे टुकड़ों में कटा हुआ आलू 2 मीडियम साइज़ का, 3 टमाटर इसे मैंने रफली कट कर लिया है, इसे ऐड कर देती हूँ। और अब इसमें ऐड करें फ्राई किया हुआ बाकला और इसे अच्छे से मसाले में मिक्स कर लेना है। गैस को हाई फ्लेम पर कर दें और इसे चलाते हुए, इसे ढक कर बीच बीच में चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक बढ़िया से भून लेना है। फिर इसमें ऐड करें पानी और इसे मिक्स कर लें। अब कुकर के ढक्कन को लगा दें, 2 से 3 सीटी आने तक इसे पका लेना है। तो चलिए 2 से 3 सीटी हो चुका है, अब मैं इसे चेक कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा टेस्टी सा बाकला का सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हाई फ्लेम पर 2 मिनट तक भून लेना है। इसमें ऐड करें गरम मसाला पाउडर और 2 से 3 मिनट तक भूनने के बाद आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सी मसालेदार बाकला की सब्ज़ी बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए।